हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए प्रूफ दिखाता हूं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूं और मैं अपनी स्टोरी यहां पे दिखाता हूं। मेरी यहां पे ये वाली मतलब स्टोरी लगी हुई है, ठीक है। ठीक है, आप इसका म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन मैंने एक अपने मोबाइल में अपने इंस्टाग्राम में एक ऐसी सेटिंग कर दी है जिससे दोस्तों क्या होगा, जो भी मैं अपनी स्टोरी लगाऊंगा वो ऑटोमेटिक मेरी गैलरी में म्यूजिक के साथ सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरी गैलरी में भी ये आ चुका है और इसमें म्यूजिक है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को डाउनलोड और वो भी म्यूजिक के साथ, तो इस वीडियो को लिए आपके लिए एंड तक देखना है। और दोस्तों, आप अगर अपने किसी भी फ्रेंड की करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में आपके लिए ट्रिक बताऊंगा आपके लिए करना क्या है। आपके लिए कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है बिना किसी ऐप के, वो भी म्यूजिक के साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम गवाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए करना है, आपके लिए अपना इंस्टाग्राम है इसे ओपन करना है। आपके लिए सबसे पहले इसमें एक सेटिंग कर लेनी है जिससे जो भी आप अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाओगे वो म्यूजिक के साथ ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी आपकी गैलरी में, ठीक है। तो क्या करना है, आपके लिए अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करना है और अपने अपनी प्रोफाइल पे आना है, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ नीचे। तो दोस्तों, क्या करना है, आपके लिए यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ साइड में यहाँ पे थ्री डॉट देखने मिलेंगे, जैसे स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे थ्री डॉट आ रहा है ऊपर, ठीक है, साइड कॉर्नर में। तो आपने थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा। तो दोस्तों, आपके लिए थोड़ा नीचे जाना है। जब आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपके लिए दोस्तों एक ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्चीव एंड डाउनलोडिंग, ठीक है। तो क्या दोस्तों, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखने मिल जाएगा एक सेटिंग होगा सेव स्टोरी टू आर्चीव, ठीक है। तो करना है आपके मोबाइल में यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम में ये मतलब ऑफ होगा भाई, ठीक है। तो करना दोस्तों, सबसे पहले इसे ऑन कर देना दोनों के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दोनों ऑन कर दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, अब दोस्तों क्या होगा, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेव फोटो एंड वीडियो टू आर्चीव सो यू डोंट हैव टू सेव दैम योर टू योर फोन, ठीक है। आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर इतना आप काम करोगे, अब आपके लिए जो भी आप स्टोरी लगाओगे ऑटोमेटिक आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, वो भी म्यूजिक के साथ। अगर बाय चांस ये ट्रिक काम नहीं करती है तो दोस्तों मैं आपके लिए बताता हूँ, वो ट्रिक आप अपने दोस्त की स्टोरी पे भी कर सकते हैं और आप अपनी स्टोरी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, आपका जो भी फ्रेंड है या फिर आपकी जो स्टोरी है, ठीक है, मतलब सेव नहीं हुई है म्यूजिक के साथ, तो करना है आपके लिए अपनी स्टोरी पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये दूसरी स्टोरी है, मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो आपने अपनी स्टोरी पे आना है, उसके नीचे यहाँ साइड में आप थ्री डॉट देखने मिलेंगे, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे ये थ्री डॉट आ रहा है, ठीक है, नीचे देख सकते हैं थ्री डॉट आ रहा है। तो आपने करना है दोस्तों, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जब आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों करना है, आपके लिए यहाँ एक ऑप्शन नहीं मिलेगा सेव वीडियो का। तो आप यहाँ से सेव करोगे, इसमें म्यूजिक नहीं आएगा 100% मैं कह रहा हूँ। कभी कभी आ जाता है लेकिन कभी कभी नहीं आता है म्यूजिक, ठीक है। तो करना है दोस्तों, आपके यहाँ कॉपी लिंक का ये ऑप्शन है, आपके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कॉपी लिंक कर देना है, ठीक है। आप इतना काम करोगे अपनी स्टोरी पर, अगर आप अपनी फ्रेंड की भी करना चाहते हो, अपनी फ्रेंड की स्टोरी पर आना है। दोस्तों, आप फ्रेंड की स्टोरी पर आओगे तो यहाँ साइड में आपके लिए ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट देखने मिलेंगे इस स्टोरी पर भी, ठीक है। करना है आपके लिए इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ कॉपी लिंक का ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, वी आर मूविंग थिंग्स अराउंड, ठीक है। तो आपने इस ऑप्शन में क्लिक करना है, अब यहाँ देखने मिल जाएगा नीचे, ठीक है। आपके लिए नीचे देखने मिल जाएगा ये कॉपी लिंक का ऑप्शन, जैसे स्क्रीन देख सकते हैं ये कॉपी लिंक आ गया ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी लिंक कर लेना है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आप कॉपी लिंक कर लोगे। फिर क्या करना है दोस्तों, आपके लिए अपने मोबाइल में गूगल हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया, आपके लिए ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे स्क्रीन देख सकते हैं, मैं अपने मोबाइल में यहाँ पे गूगल है, मतलब सॉरी यहाँ पे ये रहा गूगल। तो आप ये ना गूगल है, इसे ओपन कर लेना है। जब आप गूगल ओपन करोगे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सर्च का ही ऑप्शन है, आप लिए सर्च पे क्लिक करना है। जब आप सर्च पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो मैं बताता हूँ आप लिए वही यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। यहाँ सर्च बॉक्स है, यहाँ पे जो मैं आप लिए बताता हूँ वही आप लिए लिख देना है। यहाँ पे लिखना है स्टोरी सेवर, ठीक है। आप लिए ये सर्च कर देना है स्टोरी सेवर इंस्टाग्राम। जब आप इतना सर्च करोगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत सारी वेबसाइट निकल के आ जाएंगी। तो दोस्तों आपके लिए किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, तो मैं इस वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करूँगा यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा। फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये पेस्ट का ऑप्शन आता है, डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो, वरना आपके लिए यहाँ पे उंगली लगाना है और जो पेस्ट का ऑप्शन निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। मैं यहाँ पे उंगली लगा देता हूँ, पेस्ट का ऑप्शन आ गया, पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ क्लोज कर देना है ऐड आता है तो। फिर यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है, जो भी आपकी फ्रेंड की स्टोरी होगी, तुम्हारी स्टोरी होगी, यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके नीचे यहाँ पे ये ऑप्शन आता होगा ब्लू कलर में, आप लिए इस ऑप्शन पर टैप कर देना है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे टैप कर दिया, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है, फाइल डाउनलोडेड कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक हो चुकी है। फिर आपके लिए क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है और आप अपनी गैलरी में पहुँच जाना है जहाँ पे आपकी स्टोरी आती है। तो वहाँ पर मैं आ गया हूँ और मेरी यहाँ पर दूसरी यहाँ पर स्टोरी आ चुकी है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। इसका म्यूजिक आपके लिए सुना दूँ बिल्कुल लाइव प्रूफ,
ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे म्यूजिक आ गया, ठीक है। आप दोस्तों इस तरह से इंस्टाग्राम की स्टोरी डाउनलोड कर सकते हैं म्यूजिक के साथ बिना किसी ऐप डाउनलोड किए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।